हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने बेसिक जो आपका यूनिट कन्वर्जन होता है उसको हम समझाने वाले हैं। जो भी एकदम कमजोर बच्चे हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कहीं पर मिलने वाली नहीं रही। आपको यहाँ पर हम जितने भी यूनिट कन्वर्जन होते हैं, मतलब क्या चेंज परिवर्तन होता है, देखेंगे। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर सेंटीमीटर, आपका माइक्रो से आपका नैनो में, नैनो से आपका डेका डेसी में, तमाम चीजें चेंजेस होते हैं। और आप देखेंगे, अगर आप एमबी जो कि होता है आपका बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर हमको सारी चेंजें बताएंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट ये वीडियो जो है, ये पूरा पूरा जो हमारा क्लासेज है, ये क्लासेज कई पार्ट में हो सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई क्लासेज में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सारी चीजें बहुत बारीकी से बतानी पड़ेगी। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो भी क्लास नेक्स्ट क्लास आएगी उसको भी जरूर देखना है। अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा यहाँ पर भी, और आगे जो आएगी क्लास उसको भी। यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी है लंबाई, हम लंबाई की चर्चा करेंगे। यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे? लंबाई की। लंबाई की जितनी भी यूनिट होती है उसको रिलेट रखेंगे हम दूरी से, मतलब लंबाई और दूरी को, दोनों को हम सेम ही, दोनों को एक ही क्लास में लेंगे। और द्रव्यमान का निकालेंगे अलग, और समय का निकालेंगे अलग से हम यूनिट। तापमान को हम अलग से निकालेंगे, और दूरी तो मैंने बता दिया। आयतन को और क्षेत्रफल को एक में ही मिला करके, जो कि हमें लंबाई से और दूरी से ये संपर्क करता रहेगा। स्टोरेज हमारा अलग तरीके का होगा, तो वीडियो हमारा दो या तीन पार्ट में आ सकता है, तो दिक्कत मत समझिएगा। पहले ही पार्ट में फिर भी आपको बहुत ही मजेदार क्लास मिल जाएगी, जो कि आपको देखना चाहिए। अगर आप इसको देख लेते हैं मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, और आप सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और बच्चों को समझाते हैं वो सारी चीजें जो उनको समझना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगली क्लास आएगी, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से देखकर समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजें सभी आपको मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा सारी चीजें बताता रहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला काम क्या है, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, हमारे ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा। अगर ऊपर देख रहे होंगे तो हमारे फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर इस फिगर में आप देखिए, तो आपको कुछ चीजें मिल रही होंगी। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो आपको के एम पहले मिल रहा है, फिर एच एम मिल रहा है, फिर डी एम मिल रहा है, फिर एम मिल रहा है, फिर डी एम मिल रहा है, फिर सी एम, फिर एम एम। मतलब इसका यूनिट कन्वर्जन हमने बनाया था, जो कि आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, अभी आपके सामने ही पता चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर कुछ आपको बॉक्सेज बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक बॉक्स हो जाएगा, ये उसके बाद एक बॉक्स हो जाएगा, ये उसके बाद आपका बॉक्स हो जाएगा, ये उसके बाद आपका बॉक्स हो जाएगा, ये ठीक है, और इसके बाद आपका बॉक्स हो जाएगा ये, और इसके बाद बॉक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपके बॉक्सेज मैंने तैयार कर दिए। अब इन बॉक्सेज में आप समझिएगा, दिमाग लगाइएगा कि आखिर मैं क्या भरने वाला हूँ, आपका कुछ ही मजेदार चीज भरने वाला हूँ। देखिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, के एम मिलेगा। क्या मिलेगा? के एम। ठीक है, बहुत बड़ा चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पर हमें भरना है के एम। ठीक है, ये हो गया के एम। उसके बाद यहाँ पर हो गया एच एम। क्या हो गया? एच एम। यहाँ पर हो गया आपका डी एम। क्या हो गया? डी एम। डी ए एम हो गया यहाँ पर। क्या होगा? डी ए एम। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ करके मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा डी ए एम, और ये होगा आपका एम, ये होगा आपका डी एम, ये होगा आपका सी एम। बना कितना? चार। अभी एक और बनना चाहिए, एक बॉक्स मैं और यहाँ पर तैयार करता हूँ। ये हो गया आपका बॉक्स, और इसमें आपका बनेगा एम एम। क्या? एम एम। ठीक है, ये हमारे बॉक्सेज हो गए। अब यहाँ पर क्रम देखिए, मैंने इसको ऐसे ही ढाला है ताकि आपको समझ में आए चीजें। यहाँ पर अगर आपको देख रहे होंगे तो एक चीज मिल रही होगी, एक बात मिल रही होगी देखने को, कि ये जो है सबसे ऊपर लिखा हूं, इसका मतलब ये सबसे ऊपर है, फिर इससे ये नीचे, फिर इससे अगर चलता हूं तो इससे नीचे, फिर इस पे चलता हूं तो ये इससे नीचे, फिर इस पे चलता हूं तो ये इससे नीचे, और इससे बाद चलता हूं तो ये इससे नीचे, फिर इसके बाद चलता हूं तो ये इससे नीचे। मतलब ये क्या है हमारा, ये घटता हुआ क्रम चल रहा है। किस क्रम में चल रहा है? ये घटता हुआ क्रम में चल रहा है। कितना? घटता हुआ। दिमाग में बैठा ना, घटता हुआ। और अगर आप इसे इस तरफ देख रहे हैं, सेम ऐसे ही हम इसको आए, फिर इसको जाए, 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 मतलब अगर हम इस राउंड पे चल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। इसको हम बोलेंगे बढ़ता हुआ क्रम। क्या बोलेंगे? बढ़ता हुआ क्रम। अब ये बढ़ता हुआ किसका क्रम है?
ये किसका क्रम है? ये इसका साइज का क्रम है। किसका क्रम है? ये साइज का क्रम है, इसके साइज का, इसकी मान का, इसके मान का जो है वैल्यू जो है इधर घटता, इधर आपका बढ़ता जाएगा, परंतु इधर जो जाएगा ये मान जो है इधर घटता जाएगा, मतलब मान के रूप में ये छोटा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है अलग तरीके से, ये चेंजेस इस तरीके से हैं, अगर इनको हम समझाते हैं तो ये है आपका यहाँ पर, ये आपका बन रहा है कुछ इस तरीके से कि अगर अगर हम इसको इस तरफ से इस तरफ भागे तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा आपका? गुणा होगा, ठीक है, ये क्या होगा? गुणा होगा। लेकिन अगर यही चीज आपका कुछ इस तरीके इस तरफ भागे तो ये आपका क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा आपका? भाग होगा। दिमाग बैठ गया ना, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर चित्र नहीं दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। अब इसके बीचों में गैपिंग की हम फर्क बताते हैं कि बीच में गैपिंग कितनी कितनी की होती है, क्योंकि यही मेन मुद्दा काम करता है आपके सवाल में। यहाँ इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो 10 की होती है। कितने की होती है? 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 10 की होती है। सभी के बीच में गैपिंग 10 की होती है। अच्छा बताइए, सीधे सीधे समझना, अगर ये समझ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ये के एम एच एम इसको क्या है, इसको हम अगर समझाएं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए समझ जाएंगे, यहां पर जो के एम डिनोट कर रहा है क्या, के एम का मतलब किलो, के का मतलब किलो, एम को हम हटा देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एम को मैं यहां से हटा देता हूं, एम को मैं यहां से हटा दिया। अब के का मतलब हो गया किलो, और एच का हो गया आपका हेक्टो, और एच के बाद डी ए है, डी ए का हो गया आपका डे का, क्या हो गया? डे का। उसके बाद आपका यहाँ पर डी ए के बाद एम आ गया, एम के बाद हो गया आपका, अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये हमारा मीटर हो गया। क्या हो गया? मीटर। और सभी में एम लगाएंगे तो मीटर लगेगा। फिर यहाँ पर है डी, अकेले डी है मतलब ये डेसी हो गया। उसके बाद हमारा सी है, सी का हमारा सेंटी हो गया, और उसके बाद हमारा एम है, एम का हमारा मिली हो गया। क्या हो गया? मिली। अब सभी में एम लगाएंगे तो मतलब एम का मतलब हमारा मीटर, यहाँ पर लिखे हैं एम का मतलब मीटर, मतलब के एम है तो किलोमीटर, एच है तो हेक्टोमीटर, डी ए है तो डेका मीटर, और एम है तो मीटर, और आपका यहाँ पर अगर डी एम है तो आपका डेसी मीटर, और सी एम है तो सेंटीमीटर, एम एम है तो मिलीमीटर। मतलब आप समझ गए ना कि आपका जो कि एक लंबाई के रूप में आप इसको मापेंगे, लंबाई की मात्रा को हम यहाँ पर इसको समझेंगे, और यही सारी चीजें यूजेज होंगी हमारा। अब रही बात, इसको हम फर्क वाली बात जो हम कर रहे थे, कैसे समझते हैं फर्क वाली चर्चा, कैसे समझते हैं? देखिए फर्क वाली बात हम कुछ इस तरीके से समझने वाले हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम के से लेकर के एच तक, एच एम तक पहुंचने वाले हैं तो 10 का फर्क है। लेकिन अगर के एम से डायरेक्ट डी ए एम पर, मतलब अगर हम किलो से डायरेक्ट हम डेका पे पहुंचे तो 10 और ये 10 मिला करके हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मतलब हमारा 100 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? वो हमारा 100 हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये बात को आप समझ गए, पक्का समझ गए ना? तो ये हमारा 100 हो जाएगा, अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 100 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ तक आपका 100 हो जाएगा। अगर हम इसी को के एम से, इस के एम से डायरेक्ट, देखिए के एम से हम कहाँ पर पहुंचे थे? डे का मतलब यहाँ पर डी ए एम पर पहुंचे थे। लेकिन अगर हम यही एम पर पहुंचते तो ये 10, ये 10, ये 10, 3 10 हो गया, 3 10 के लिए मतलब मेरा 1000 होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजों को अगर आप समझ रहे हो बात को, मतलब जितने की गैपिंग होगी, जितने को हम क्रॉस करेंगे उतने 10 क्रॉस कर रहे हैं, उतने 10 क्रॉस कर, 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने 10 का हम डिवीजन कर देंगे, दो ही काम करना है। बस हमें ये समझना है हमारी छोटी यूनिट है कि बड़ी यूनिट है, मतलब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी यूनिट है। कौन सी यूनिट है यहाँ पर हमारी? ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये हमारा बड़ी यूनिट है। कौन सी यूनिट है? ये बड़ी यूनिट है, और ये सबसे हमारी छोटी यूनिट है। क्या है? छोटी यूनिट है।
इसको भी हमें आगे जैसे ही क्लास बढ़ती जाएंगी ये फिर से यूजेज में आएगा, तो हम और छोटे छोटे के रूप में इसका हम कंपेरिजन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि ये एमएम से भी छोटी होती है, तो होती है भी इससे भी छोटी, मिलीमीटर से भी छोटी होगी। वो सारी चीजें हम अगले में देखेंगे, जो कि हमारा निगेटिव में होता है पावर में, वो डेसिमल हमारा निगेटिव में लेके जाता है, इसको बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज समझ गए। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या चर्चा करने वाले हैं। आपको समझना है, अच्छी तरीके से समझिएगा बातों को। यहाँ पर जो हम मेन काम समझने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जो कि आपको समझना है कि आखिर हम क्या बताने वाले हैं। देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए इन सबको हम समझाते हैं डिटेल में। यदि हम देख रहे हैं कि कभी भी अगर हम किलो से जाएं, किलोमीटर से जाएं, हम कहाँ पर? मीटर पर जाएं। दिमाग लगाइए, किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं। आप दिमाग लगाइए कि किलोमीटर से मीटर में, अब किलो में ये पूरा यूनिट, आपको बोलेंगे सर ये यूनिट ही मैंने याद है, यूनिट की याद करने की ट्रिक जो मैंने बनाई है, दो वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, इस यूनिट को आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम अगर हिंदी में बोले तो एक यूनिट चेंज करने के लिए एकदम सरल भाषा में, देहाती भाषा में, गाना के रूप में याद कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करना है आपको? काहे डंक मारे डसे सिर में, आप ऐसे याद लीजिए, काहे डंक मारे डसे सिर में। क से आपका किलो हो गया, हे से आपका हेक्टो हो गया, डंक में आपका डेका हो गया, मारे में आपका मीटर मीटर हो गया। ठीक है, मीटर मारे मीटर हो गया, और डंक मारे डसे सिर में, डसे मतलब देसी हो गया, सिर में सी से सेंटीमीटर हो गया, सिर में से फिर से मिली हो गया। इस तरीके से पूरा पूरा हमने उसमें कंप्लीट कर दिया। बाकी वहां पर आप बना सकते हैं खुद भी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने ट्री द्वारा बनाई हुई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो देख करके आप समझ सकते हैं कैसे इसको याद करना है। आप दिमाग लगाइए कि इसके ये इसको अगर हम इस तरीके से इस तरफ बढ़े, मतलब किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि किलोमीटर से मीटर जाने में हमें कितना यूनिट क्रॉस कर रहे हैं। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं, देखिए एक यूनिट यहाँ पर, इसको हम दिखाते हैं, हम देख रहे हैं ये किलोमीटर से हम यहाँ पर पहुंचे, एक यूनिट, एक दस, दूसर की यूनिट, दो दस, तीसर की यूनिट, तीन दस, तीन दस का हमने क्रॉस किया। कितने दस को हमने क्रॉस किया? तीन दस को हमने क्रॉस किया, मतलब अगर हमने तीन दस को क्रॉस किया तो यहाँ पर हमें तीन दस लिखना पड़ेगा, तीन दस का हमें गुणा करना पड़ेगा। आप बताइए, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ये देखेंगे। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखे हुए नीचे देख रहे हैं, गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने गुणा किया। ठीक है, अगर हम तीनों दस का गुणा करेंगे तो सीधी बात हमें पता चलेगा कि 1000 बनेगा। कितना बनेगा? 1000। ठीक है, मतलब किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर हो, अब हमें मीटर में जाना हो तो मैं इसमें 1000 से गुणा कर देना, मतलब अगर यहाँ पर मेरा 2 किलोमीटर होता तो मुझे इसमें 2 से और गुणा करना पड़ता, मतलब ये हो जाता आपका कितना? 2000। कितना हो जाता? 2000। अगर मुझे 18 किलोमीटर बनाना होता तो मैं यहाँ पर 18 KM लिखता, तो मैं यहाँ 18 से और गुणा करता, तो आपका 18 और ये आपका 1000, 18 आपका 1000 हो जाता 18000। कितना हजार? 18000। मतलब आप सीधी बात को आप उल्टा तरीके से समझ लिए। अभी देखिए और हम आगे क्रॉस करते हैं। यदि हमारा यही कभी कभी मान लीजिए एम से आपका सीएम पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे? एम से सीएम पर। तो आप यार दिमाग लगाइए कि एम से सीएम पे जाने के लिए, एम बड़ी यूनिट है, सीएम छोटी यूनिट है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए हमेशा गुणा करना पड़ेगा, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आने के लिए हमेशा भाग करना पड़ेगा। कितने का गुणा भाग करना पड़ेगा? जितने अंक, जितने बीच की गैपिंग है, जितना वो क्रॉस कर रहा है, जितने आपस में रिलेट रखते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर में रिलेट रखने के लिए कितना हमारा बन रहा है? देखिए ये है मीटर, अगर हम मीटर से यहाँ पर डेका मीटर पे पहुंचे, मतलब वो सॉरी देसी मीटर पे, तो हमारा 1 दस है, और देसी मीटर से आपका सेंटीमीटर पहुंचा 2 दस, कुल मिलाकर हमें मिल रहा है 2 दस। कितने दस मिल रहा है? 2 बार 10 हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 बार 10 का मतलब हुआ कि 10 गुणा 10, मतलब हमारा हो गया यहाँ पर 100। कितना हो गया? 100। अब 100 जो है हमें गुणा करना है कि भाग करना है, इसी को हमें समझना है। तो हमें देखेंगे आप बड़ी से छोटी में आ रही है, तो उसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? इसमें गुणा कर दूंगा, मतलब कि मैं इसमें गुणा कर दूंगा, तो हमारा हो जाएगा ये आपका 10 दामा 100 हुआ था। तो हम
गुड़ा किसमें करेंगे? 1 मीटर है तो आपका एक इसमें और गुड़ा कर देंगे, 2 मीटर है तो इसमें हम 2 का और गुड़ा कर देंगे, 3 मीटर है तो इसमें हम 3 का और गुड़ा कर देंगे, बाकी आप जितना भी मीटर निकले यहाँ पर उतने गुड़ा करके आप यहाँ पर 100 में गुड़ा कर लेना है। मतलब मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें 100 से गुड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? याद रखना, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें गुड़ा करना पड़ेगा। अब 100 को आप देखेंगे, 100 जो है आप सेंटीमीटर से मीटर में भी जा सकते हैं, आप कभी कभी सेंटीमीटर से मीटर में भी जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाता है। क्या? सेंटीमीटर से आप देखेंगे तो वो सेंटीमीटर से आपका मिलीमीटर में जाता है। किस में जाता है? मिलीमीटर, एमएम में जाता है। अब सेंटीमीटर मिलीमीटर में 10 का क्या फर्क है? मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम सीएम से एम में जाने के लिए सीधी बात है कि इसके लिए हम केवल केवल 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे हमारा एमएम पे पहुंच जाएगा। मतलब 1 गुणा 10 मतलब 1 सीएम में आपका 10 एमएम होता है। और इसी तरीके से अगर किया मैंने 2 सीएम, जहां पर 2 मतलब 2 दूना 10 दूना 20 एमएम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यूनिट को समझाया, और यूनिट में आपको यहाँ पर वो सारी चीजें समझाई। अब इसमें हम डिवीजन वाला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, के एम सेम में जाने के लिए 1 KM में कितने एम होता है? 1000 एम होता है। यहाँ पर 1 KM बराबर 1000 एम, अभी मैंने यहाँ जस्ट पीछे लिखा, कितना? 1000 एम। तो दिमाग लगे कि आपको अगर इधर से अब इधर में आना हो, यानी 1 एम से आपका कितने KM बनेगा, ये दिमाग लगाना। तो KM के लिए क्या होगा, आपको जितने में पूछा गया हो, आपको पूछा कि एम में कितने KM होता है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप पहला नंबर तो आप पहचानिए कि यूनिट छोटी बड़ी कौन सी है। तो हमारी यूनिट जो है ये छोटी है, एम, और KM जो है आपकी बड़ी यूनिट है। तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मान छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहा है तो आपका भाग होगा, भाग कितने का होगा, जितने का आपस में रिलेशन रखता है। मतलब हमारा 100 का भाग होगा, 1000 का भाग होगा, जो भी होगा, तो हमारा इसमें 1000 का भाग होगा। कितने भाग होगा? 1000 का भाग, क्योंकि 1000 का गुणा हो रहा था आपका उस तरीके से, तो इस तरीके से 1000 का भाग होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1 में भाग देंगे, तो 1 में 3 जीरो है तो 1 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 2 3 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव लगा दें, यहाँ 0 लगा देंगे, इस तरीके से इसका भाग कर सकते हैं। दूसरा रूप ये आपका पता है कि इसमें क्या कहता है, दूसरा रूप में आपका क्या है कि इसमें आपको आप यहाँ पर 10 की घात 3 मानेंगे, 10 घात 3 जैसे ही ऊपर जाएगा वो आपकी पावर आपकी दशमलव को इधर लेके भागेगा, मतलब इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था आपका इससे रिलेटेड कुछ चीजें, और आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि आपका यूनिट से बदल अभी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कम मिलने वाले हैं, इसमें बहुत सारी मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक पेज और बना लिया है, अब एक पेज पर आपको कुछ चीजें समझा ही दूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहला काम क्या है, अगर आपको यहाँ पर लिखा है कि आपको 6 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, तो आपको क्या काम करना है, सेंटीमीटर से मिली में जाने के लिए आपको 10 का क्या करना है, ये सेंटीमीटर बड़ी है छोटी है इसको समझ लेंगे, तो सेंटीमीटर बड़ी है छोटी में जाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। मतलब हम 6 तो लिखेंगे ही, बाकी जितने से रिलेशन है उससे गुणा कर देंगे। सेंटीमीटर जाने के लिए 10 का फर्क, कुल मिलाकर के 60 मिली आ जाएगा, कितना मिली आ जाएगा, 60 मिली। अगर यही आपका कुछ इस तरीके से होता कि 6 आपका मीटर में कितना आपका सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको 2 यूनिट क्रॉस करना होता है। मतलब 6 में तो गुणा करेंगे ही, 2 यूनिट के लिए आप 2 बार 10 लिखेंगे, 2 बार 10 का मतलब 6 गुणा 100 हो जाएगा चाहे तो, और 6 गुणा 100 हमारा 600 हो जाएगा। मतलब 6 मीटर में हमारा 600 सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर, 600 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपका हो गया ये। और इसी तरीके से अब आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि सेंटीमीटर क्या आपका, कि सेंटीमीटर यहाँ पर और इससे आपका क्या हो मीटर में जाए, बात वही है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 का गैपिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो कितने मीटर होंगे, तो 2 का हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सीधा सीधा 2 बदलने के लिए इसमें हम 2
2 सेंटीमीटर है और मीटर सेंटीमीटर बीच में हमारी गैपिंग जो होती है वो हमारा होती है 100 का, तो हम 100 का इसमें भाग करेंगे और भाग करने की जरूरत भी नहीं है, केवल हम इसको पहले 2 लिखेंगे, 1 0 का मतलब 1 अंक आपका, 2 0 का मतलब 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 2 0 है तो 2 अंक हमने ले लिया। बस आपको इस तरीके से दशमलव में भी लिख सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, आप इसको डेसिमल में रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके -2 लिख सकते हैं। तो यही चीज आपका माइनस में जब भी पावर हो दशमलव इधर लेके भागता है, माइनस में अगर पावर हो, जब हमारी माइनस में पावर हो तो दशमलव जो इधर, अगर जब इधर हो तो दशमलव इधर ही भागेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर हमने बहुत जो भी चीजें बतानी चाहिए वो आपको पता हो गया होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम 6 × 10^2 लिखे हैं और इस तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका m है, क्या है m है, और इसी तरीके से इसमें आपका मान लीजिए यहाँ पर 1 × 10^2 है और ये आपका cm में है। अब यहाँ से इसको गुणा भाग कर लेंगे संख्याओं का, परंतु आप यूनिट का तो भाग नहीं कर पाएंगे, तो यूनिट बची रहेगी, इसलिए यूनिट को भी चेंज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदले या सेंटीमीटर को मीटर में बदले, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसको तो छोड़ देंगे वैसे, परंतु इसमें कुछ करेंगे कि हमारा देखेंगे कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर जो है आपका, 6 मीटर है, इसमें कितने सेंटीमीटर के हिसाब से हम समझ लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 में आपको क्या करना है, इसमें 6 में आपको 100 से और गुणा करना है, उसके बाद 10^-2। अब यहाँ पर ये 10^2 जो है ये हमारा 6 हो गया और ये 10^2 जो है ये 10^2 बन जाएगा और 10^-2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल आपका 60 आ जाएगा। हमारे पीछे था, सॉरी हम देख नहीं पाए, इसको पीछे दिखाई ना दिया रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ये था आपका यूनिट कन्वर्जन, आपको ऐसे चीजें समझना है, मतलब अगर आपको सेंटीमीटर से, यहाँ पर दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, ठीक है यहाँ पर। अब हमें क्या काम करना है, अगर हमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो सीधा सीधा 10^2 से गुणा करेंगे। और यही काम अगर आपका रिवर्स होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि सेंटीमीटर से मीटर में आए तो 10^-2 से होगा, क्योंकि ये गुणा होगा तो ऊपर ही रहेगा और ये भाग होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका हमारा चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा। बाकी अगले पार्ट में आता रहेगा, अभी बहुत सारे हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए कुछ यूनिट कन्वर्जन है, मिलीमीटर सेंटीमीटर इंच, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, डिवाइड